नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि मसल और चर्बी हमारे शरीर में जो हम दिखते हैं जैसे उसमें क्या फर्क लाती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मान लो 5 किलो मसल है और वो इतनी जगह लेती है, तो 5 किलो फैट इतनी जगह ले सकता है। मसल फैट से कम जगह लेती है, उतनी मसल उतनी फैट से कम जगह लेगी। चाहे 1 किलो मसल हो तो वो अगर इतनी जगह ले रही है तो 1 किलो फैट इतनी जगह ले लेगा। मसल ज़्यादा डेंस होती है, मसल ज़्यादा सॉलिड होती है फैट से। मसल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डोले पे किसी ने 2 किलो चर्बी चढ़ा दी, मान लो आपके डोले पे आपके साथ में 2 किलो चर्बी बढ़ गई और 2 किलो या फिर 2 किलो मसल बढ़ गई, तो 2 किलो मसल बढ़ेगी तो अगर आप अपने डोले को इंचों में नापोगे, अगर टेप से नापोगे तो 2 किलो मसल बढ़ने पे अगर ये मान लो 1.5 इंच बढ़ी है तो वही 2 किलो फैट बढ़ने पे हो सकता है 2.5 इंच बढ़ जाए। तो कहने का मतलब है फैट ज़्यादा जगह लेता है। तो अगर आपका डोला बहुत जल्दी बढ़ रहा है ना, अगर आप सोच रहे हो मैं कसरत कर रहा हूँ मेरा डोला बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि आप ज़्यादा फैट ही बढ़ा रहे हो, मसल कम ही बढ़ रही होगी। क्योंकि अगर जल्दी साइज बढ़ रहा है ना तो फैट बढ़ रहा है, क्योंकि मसल बहुत कम जगह लेती है तो साइज भी धीरे बढ़ेगा। तो अच्छा, हमारे दिखने में से क्या फर्क आता है? दिखने में क्या है, अब ऐसे समझो कोई एक आदमी आपके सामने खड़ा है, वो जितना ढीला ढीला सा दिख रहा है ना उसका शरीर, वो समझ लो फैट के कारण दिख रहा है, और जितना उसका शरीर टाइट दिख रहा है वो मसले के कारण दिखेगा। जो दिखने में जो एक टाइटनेस आ रही है, एक कड़ा बना रहा है, काठा बना रहा है, गठीला बना रहा है, वो मसल के कारण आ रहा है, और जो ढीला बना रहा है, जो थुलथुला बना रहा है, वो फैट के कारण आ रहा है। अच्छा एक उदाहरण लेते हैं कि एक पतला सा आदमी है जिसके अंदर मसल बहुत कम है पर फैट ज्यादा है, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में स्किन स्किनी फैट कह देते हैं। एक तो वो आदमी कैसे दिखेगा, उसके सब हाथ पैर सब पतले पतले दिखेंगे, बस उसका पेट एक ऐसे होकर के जाएगा, एक पेट मोटा सा पेट होगा, बाकी सब कुछ पतला पतला होगा। मान लेते हैं इस आदमी ने अपनी चर्बी कम करी, तो क्या होगा, ये आदमी जैसे जैसे अपनी चर्बी कम करेगा ना वैसे वैसे मसल उसकी उतनी की उतनी है, जैसे जैसे उसकी चर्बी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो आपको उसके शरीर में थुलथुलापन ढीलापन कम दिखने लगेगा, और जब उसकी चर्बी काफी कम हो जाएगी तो आपको उसके शरीर में टाइटनेस दिखने लग जाएगी कि यार इसकी शरीर तो पहले से ज्यादा टाइट लग रहा है, ज्यादा कड़ा लग रहा है, ज्यादा गठीला लग रहा है सर। जब आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाती है ना, तब तो आपका शरीर बहुत कम लूज लगता है और बहुत ज्यादा टाइट लगने लग जाएगा, जब तक कि आपके शरीर में बहुत कम मसल नहीं हो। बहुत कम मसल होगी तो उतना ज़्यादा टाइट नहीं लगेगा, क्योंकि मसल के कारण टाइटनेस आती है। बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब मान लेते हैं आदमी, इसने अपनी चर्बी कम करी, मसल उतनी की उतनी थी, चर्बी कम करी, इसका पेट वगैरह हट गया, ये पहले से ज़्यादा टाइट लगने लगे। अब किसने क्या करा, अब इसने चर्बी उतनी की उतनी रखी जितनी शरीर में है, कम करने के बाद में जितनी है शरीर में उतनी रखी, और अब वजन बढ़ाया, और वजन बढ़ाते हुए सिर्फ मसल बढ़ाई, तो अब इसका क्या है, साइज बढ़ेगा, अब इसकी बॉडी और टाइट लगने लग जाएगी, हमें इसका साइज बढ़ जाएगा, इसकी बॉडी में कट्स भी दिख रहे हैं, कट्स बॉडी में दिखेंगे जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, काफी कम होने लग जाएगा, जैसे 10 के आसपास हो जाता है आपके कट्स दिखेंगे। तो इस आदमी का साइज बढ़ेगा, इसकी टाइटनेस बढ़ेगी, दिखने में और अच्छा लगने लग जाएगा। अब यही आदमी वापस से इतनी मसल बढ़ाने के बाद अपने शरीर पर चर्बी और चढ़ा लेता है, तो यार फिर से ढीला ढीला दिखने लग जाएगा, मतलब साइज इसका बड़ा ही दिखेगा, पूरा दिखने में बड़ा ही दिखेगा, पर ये आदमी का शरीर है ना ऐसे थोड़ा थुलथुला सा भी दिखेगा, क्योंकि वो फैट के कारण। तो अगर आप इस आदमी को देखो जिसने मसल के साथ में फैट चढ़ा लिया, और उस आदमी को देखो जो मसल कम है जिसमें पर फैट भी नहीं है, तो देखने में आपको एक ज्यादा जो टाइट शरीर होता है ना वो आपको उसका लगेगा जिसमें फैट कम है, चाहे उसमें मसल भी थोड़ी कम हो, और आप कह सक काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि जो दिखने में है ना वो भली पतला वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है मोटे वाले से, क्योंकि उसमें मसल भली ज्यादा लेकिन फैट भी ज्यादा, तो वो थुलथुला दिख रहा है। पतले वाले में मसल भली कम है लेकिन फैट भी कम है, तो वो थुलथुला नहीं दिख रहा है, इसलिए पतले वाले को ज्यादातर लोग अच्छा लगेंगे दिखने में। तो ये समझाने के लिए था कि जो शरीर में ढीलापन और काठापन दिख रहा है ना, उसका कारण क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।